तो आज बाबू चलेगा इंग्लिश स्पीकिंग, बड़ा मजा आने वाला है। सभी लोग ये पूछते हैं भैया नाम क्या है तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, बस ये पता है। ओकरे आप कुछ होता है बाबूआ नहीं बताना, चार तरीका होता लाल, चार तरीका कैसे नाम पूछा था। आज पूरा डिटेल में सुनो, मजा आ जाएगा। किस प्रकार, ध्यान सुनो जाना, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, कुड आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम सर, चार प्रकार के लाइन्स हैं जो कि पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम का है। पहली बार सुने हूँ, yes, हाँ तो सिर्फ सबके पता रहा भैया ही है कि भैया व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम का है, लेकिन सभी से नहीं पूछा जाता है। अब सुनो कब 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 ये यूज किया जाता है, ध्यान सुनो तभी बोल ले जाओ। व्हाट इज योर नेम अपने लेवल से पूछा जाता है कि अपने बराबर का है। हु आर यू जो है, हु आर यू मतलब तुम कौन हो, समझो, हु आर यू मतलब तुम कौन हो। छोट मनाई है, तू लड़कियों से पूछ है कौन है तू, समझो, इसे पूछ सका था मेरे, तू लड़का मार दी, लड़का कहेगा इज्जत नहीं है तुम्हारे पास बालक, ऐसे कहेगा वो, और अपने लेवल का अपने अपना दोस्त आ रहा है तो भैया व्हाट योर नेम, क्या नाम है आपका, तो ये अपने लेवल से पूछा जाता है। व्हाट इज योर नेम, हु आर यू अपने छोटे से पूछ लिया जाता है। और कुड आई नो योर नेम सर, एक बार ध्यान सुन लो, कुड आई नो योर नेम सर, ये लाइन अपने ऊपर वाले से पूछा जाता है, मतलब अंकल हो आपका, आपके पिताजी हो, आपसे कोई बड़ा हो, उससे पूछा जाता है नाम। कुड का नाम जो यूज किया गया है मतलब क्या, कुड मतलब क्या, आई मतलब मैं, नो मतलब जान सकता हूँ, योर मतलब आपका, नेम मतलब नाम, अंकल मतलब चाचा, क्या चाचा मैं आपका नाम जान सकता हूँ, समझो, ये सम्मान लिया गया है कुड का यूज करके। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर जो की है हमारा मे, मे आई नो योर नेम सर, मे आई नो योर नेम, मे मतलब क्या, आई मतलब मैं, नो मतलब जान सकता हूँ, योर नेम आपका नाम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर मतलब श्रीमान। हम जब भी पूछेंगे अब उखा ले करूंगा, हाँ सीधा मिलो, हाँ सुनो ध्यान से, मे आई नो योर नेम सर, तो मतलब क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ श्रीमान, तो ये यूज किया जाता है कोई मंत्री हो, कोई एजुकेटेड काफी हायर एजुकेटेड वाला हो, कोई ऑफिसर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, उससे पूछा जाता है, मतलब इसका अर्थ समझो, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मतलब मे का यूज वहाँ किया जाता है बाबू, आपको जब जाएंगे छह सात में या आठ में यूज पढ़ाया जाएगा तो होता है कि मतलब 50% आशा होती है, 50% आशा नहीं होती है कि वो बंदा रिप्लाई देगा, वहां मे का यूज कर दिया जाता है। जैसे अब मंत्री कोई है वो करे बंदूक बंदूक लेके ऐसे खड़ा हम बाकायदा, समझो, तू कह ऐसे जा पूछ ले वो, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, हु आर यू, कई दागरे डाक डाक का खतर कर, कौन दादा हो तू, कहा बताएगी, कहा बताएगी, बताएगा ना बताएगा, कई एक छेद के तो पूरे देंगे हम इसे पार ऊपर निचवा तक, इतना छेद करेंगे कि भूल जाओगे, समझो, दबंग वाला स्टाइल, समझो कि हंसे कहां से और ना बता रोए का होगा, आगे कमेंट में लिख खुलता हूँ जिसको पता बताएगा, समझो, हाँ सुनो, ये तरीका था, समझो कि नहीं, मे व्हाट, समझो कि हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, कुड आई नो योर नेम सर, और मे आई नो योर नेम सर, चार प्रकार के हैं पूरा टोटल, आपको प्रैक्टिस करके आना है। ये है नाम पूछने का तरीका, आज डे फर्स्ट था, रोज अब रेगुलर वीडियोस अपलोड होंगे, आप लोग भी चैनल पे सब्सक्राइब, अगर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, एक मिनट का भी प्रैक्टिकल वीडियो जाता है और पांच मिनट का भी जाएगा, इसे प्रैक्टिकली आपको दिखाया जाएगा कि ये चल रहा है। आप चैनल पे नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो नोटिफिकेशन, कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपका वहां नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख कर तुरंत नॉलेज गेन कर सकते हैं, अपना इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और कोरोना समय में लॉकडाउन बार बार लगता है तो बाबू ये दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, सभी स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस होता है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने का, बाबू आपको चांस दिया गया है, कोरोना समय में आप लोग जो बर्बाद किया आप लोगों ने,
जो समय खराब किया खेले टहले उसको आज अब की कोरोना समय में इतना यूज कर लो कि कोई मुकाम हासिल